राम राम दोस्तों। आज हमारे संजय भाई भी चले गए हैं तो अब अच्छा सा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब हम इस बिग बॉस हाउस में खाली तीन जने ही बच गए हैं। आई थिंक मे बी कि मैं भी नेक्स्ट मंथ घर जाऊँ, और क्या पता फिर कब आना हो या ना भी आऊँ मे बी, तो देखते हैं फिर। और आज फिर अब कल ही गए थे घूमने के लिए, तो हमने सोचा डेली डेली क्या जाएं, क्योंकि हर दो मिनट में बारिश आ जा रही है तो ज़्यादा जगह हम घूम भी नहीं पा रहे। इस वजह से आज हमने सोचा कि यहीं पर इंजॉय किया जाए अपना सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। भाई लोग दोबारा स्विमिंग पूल में घुस गए हैं ये अपना फुल इंजॉय कर रहे हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने में ही मस्त रहते हैं ये। मैं कमरे पे मूवी देख रहा था, इतने में इन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, फिर मुझे भी कमरे से निकाला है। कह रहे हैं कमरे में पड़े पड़े अकेले क्या करोगे, इससे बढ़िया आ ही जाओ थोड़ा नहा लो। मैंने चलो ठीक है, मौसम भी ऐसी हो रहा है बारिश का, मुझे लगता थोड़ी देर में बारिश आ ही जाएगी, तो देखते रहिए फिर आज का ब्लॉग ऑन स्विमिंग पूल। अभी शाम के बज गए हैं 6, मौसम भी ठंडा हो ही गया है क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो ही रही है यहाँ पे। ये हमारे जॉनी भाई का मोबाइल आने वाला है, दो दिन कितने हो गए रे? तीन दिन हो गए लेकिन एक दिन को ऑर्डर किया ब्लू डार्ट वाला, एक दिन में वैसा ही करके सोचा नहीं भेजा। आजकल पार्सल बहुत लेट आ रहा है, मेरा गोप्रो भी बहुत लेट आया था, मैंने भी सोचा एक दिन में आ जाएगा दो दिन में आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन लग गए थे इनका भी पार्सल। मतलब ऐसा हो रहा है कि घूम फिर के आ रहा है। पहले कहाँ थे? पहले मैसूर से बेंगलोर आया, बेंगलोर से मुंबई आया, बेंगलोर से मुंबई में घूम रहा है अभी मुंबई में घूम रहा है वो। वहाँ पे डायरेक्ट इधर भी आ सकता था वैसे? डायरेक्ट इधर आ सकता था क्योंकि फ्लाइट से है ये ब्लू डार्ट वालों क्या कर रहे हैं, सूद के पैसा ले रहे हैं, कुछ पेमेंट भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। 65 फ्रॉम मैसूर टू गोवा 65। अच्छा, और अब मुंबई होके गोवा आता है तो टोटली ब्लू डॉट वाला पूरा इंडिया घुमा रहा है मेरा मोबाइल को इसका सेटिंग इट्स हैपनिंग टू मी, आई डोंट गेट इट मोबाइल। सो ब्लू डॉट वाला प्लीज एज सून एज पॉसिबल मेरा मोबाइल वापस कर। तो भाई अगर ब्लू डार्ट वाला कोई देख रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसका मोबाइल उल्टा दे दो, ये बेचारा है यहाँ पे रो रहा है। आई एम लॉसिंग माय मोबाइल वेरी बैड, क्योंकि पूरी पेमेंट देने के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा पेमेंट देने के बाद भी इसका मोबाइल इसे नहीं मिल रहा। 16,500 मेरा मोबाइल, 17,000 समथिंग हो गया, बहुत बुरी हो रही है इसकी। मोबाइल नहीं मिल रहा है, अमेजोन वाले भी डिलीवरी नहीं दे रहे। सबसे बुरी बात तो ये है अमेजोन वाले इधर डिलीवरी नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों क्या हो गया। इन गोवा अमेजोन वालों गया किधर गया करके पता नहीं। अब
तू मुंबई चला जा फिर आ जा वहीं से ले आई हो गुजरात वाला ही फ्लाइट टिकट बुक करना पड़ता है अरे उसके साथ ऐसे मुंबई चला जाता है तू किस चीज के लिए मुंबई का मोबाइल के लिए ओह माय गॉड पता चले तू मुंबई गया मोबाइल यहाँ आ गया आज क्या नाम है उसका संजय भाई हमारे चले गए मुंबई उसका फोटो नहीं है बाद में दिखाएंगे इसलिए तो बेटा उनकी शूटिंग होने वाली है देहरादून साइड में शूटिंग है उनकी तो इसलिए वो भी चले गए एक एक करके रिजल्ट में पूरा साफ है साफ से हम पूरा लड़ाई कर रहे हैं सो वी आर फाइटिंग विद स्नेक यू गाइस हैव सम फन वी विल शो यू टू स्नेक्स कीप वाचिंग आवर वीडियो व्लॉग विद आर्या अब भाई एक एक करके सारे एलिमिनेट हो गए ऐसा लग रहा है बिग बॉस के घर में आ गए हैं कि एक एक करके सारे जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ मुझे भी जाना फिर ये दो ही बचेंगे यहाँ पे हेलो दोस्तों यार नहाने के बाद ठंड सी लग गई तो हमने कॉफ़ी बना ली सोचा थोड़ी कॉफ़ी पी जाए यार सब चले गए भाई यहाँ से मन भी नहीं लग रहा बिल्कुल भी क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है तो कोई ना कुछ कर पा रहा ना कहीं जा पा रहा अब देखिए यार हम कब तक स्टे करते हैं यहाँ पे वैसे नेक्स्ट मंथ तो जाने की सोच रहा हूँ मैं एक बारी देखते हैं यहाँ से निकलते हैं अपना वैसे एक बात तो है नहाने के बाद कॉफ़ी पीने का अपना अलग ही मज़ा है तो यार ठंड भी हो गई है वैसे यहाँ पे काफ़ी क्योंकि डेली बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ठंड तो होनी है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राम राम